गाइस वेलकम टू दी चैनल। सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री एंड स्मृति व्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स आज हम मकर संक्रांति, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने मामा के घर में। तो देखिए गाइस जो मुझे टेस्टी कॉफी बना रही है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम बना रहे हो क्या कॉफी? नो। तो कितने बार बनाए? मैंने 5 times। अच्छा चलो हम भी ट्राई करके बताएंगे कि कैसा बना। फ्रेंड्स आप भी मेरे को बताना। अभी तो इसके अंदर मिल्क भी ऐड करेंगे ना? नो, मिल्क थोड़े देर बाद में। अच्छा हमने दूध गर्म कर दिया है और हमने जो है ब्रू का पैकेट जो कितने का आता है? 2 rupees 1 packet। और हम जो है ब्रू कॉफी का जो पैकेट होता है उसमें से हमने ब्रू इसके अंदर डाला है और थोड़ा सा हमने शुगर ऐड कर लिया है। उसके बाद शुगर हमने मिक्स कर दिया। हमने दो पैकेट जो है ब्रू डाला था तो इसके ऊपर जो है मिल्क आ जाएगा। उसके बाद नो फ्रेंड्स फिर थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेना जब तक कि हाँ वो जो शुगर है वो मेल्ट ना अच्छे से हो जाए। तो देखते हैं हमें देना से जब बन जाएगा फिर आप मेरा देखना। दीदी आपको बताएगी कैसे बना है कोल्ड कॉफी। देखिए गाइस मिक्सअप पूरी मतलब बॉडी बोर्ड जोश में आ गया। हाँ जोश में आ गया, जोश में सुपर पावर से बना रही है पूरी कॉफी। अरे बाप रे कब से मिक्स कर रहे हो इसको? 1 घंटा हो गया। फ्रेंड्स 1 घंटा नहीं हुआ, 5 मिनट्स है बस। बहुत झूठ कहते हो। ओ मजाक से कह रही। अच्छा चलो अब मिल्क अब डालेगा, कब कॉफी बनेगा? कितने देर से वेट करा लिया? कोल्ड कॉफी को झाग बनने में ही टाइम लगता है। अच्छा ठीक है तो चलो फ्रेंड्स हमारा झाग बन के रेडी हो गया है। और ये देखिए ऐसा झाग बनेगा पूरा। देखिए कॉफी में ऐड कर रहे हैं। हाँ ये नीचे गिरना था क्या तुम्हें? तो ये दीदी का कप और ये मेरा। लो चाची बन लिया सारा। मेरा तो चाची मेरे पास। चाची डाल दो। डाली तो नहीं है और कैसा डालेगी है ना? अब दूसरा वाला मेरा। फिर मैं मिक्सअप कर दूंगी। अरे मेरे को भी दिखाओ ना, मैं कॉफी शेफ हूँ। अब मेरे पास सारा चीज फ्रेंड्स मेरी कॉफी बन गई। हाँ तो अभी हम पहले चेयर्स करते हैं। चेयर्स बचपन के फोटोस। इसका जितना हमने मिल्क डाला है उतने फोटो है। ऊपर का तो नहीं है, मैं ऐसे कर दूंगी। फिर से तो मेरी हाथ ही करो पानी निकल जाएगा। मैं शुगर लेके आओ गाइस। लेकिन इसने मैंने तो इसके हाथ की पहली बार कॉफी खाया तो इसने अच्छा ही बनाया है कॉफी। एंड और थोड़ी बहुत कड़वी भी होगी है बिकॉज मेरी तारीफ कर रहे थे क्या? हाँ पत्थर पर छा क्या कहते थोड़ी सी तो कड़वी हो ही जाती है ना। पर हाँ आप अपने हिसाब से चीनी डालना और वैसे भी अच्छी बनाई है। वैसे भी इसके एज के हिसाब से सही है। एज के हिसाब से सही है आपका ज्यादा। अरे कोई बात नहीं आप दूध कम पीते हो। दूध मैं कम पीती हूँ। चलो मिक्सअप कर लेते हैं। मैं पहले आपको मिक्सअप नहीं 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 अपना कर लेती हूँ।
भूत मूवी देख रहा नाम भूत तो स्टार्ट करें हाँ रुक जाओ मेरे को देख मेरे को मिक्स करना है जल्दी करो 20 मिनट हुआ बस हम देखेंगे और एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे कॉफी के कलर दृष्टि और साथ में मेरा जो है कॉफी का कलर आप लोग बताओ कितना मस्त लग रहा है सच में गाइस अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना जब हम जो है अपनी कॉफी एंजॉय करते हैं और मूवी देखते हैं तो हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद और हाँ हम आप लोगों से ये भी शेयर करेंगे कि नानी मामी और मेरी मम्मी कैसे ये लोग पेठा बनाते हैं पेठा या पीठा अरे जो भी है लेकिन हिंदी में तो पेठा ही कहते हैं इतना ही पता है देखो गाइस इधर बन रहा है टेस्टी टेस्टी पीठा टेस्टी टेस्टी वाटी चट्टा पोस्ट वाला में तो आप भी हमारे साथ चलिए और हाँ तो अभी हम निकल रहे हैं तो अब मैं आप लोगों से वापस गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं चित्रंजन पार्क पोस्ट मेला गाइस ये 47th एनुअल पोस्ट मेला है और गाइस ये यहाँ का एंट्री गेट है जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं गाइस अभी हम जो है एंट्री कर रहे हैं तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं गाइस यहाँ का डेकोरेशन देखिए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है इधर जो है बच्चों के झूले और जो है खिलौने लगे हुए हैं और अगर मेले में ये सब ना तो मजा ही नहीं आता और दूसरी तरफ मेले का स्टॉल लगा हुआ है फोटो शूट कर रहे हैं गाइस ये अंदर का व्यू है और देखिए इधर कितना ज्यादा क्राउड है पापा से फोटो क्लिक करवा रहे हैं
गाइस लास्ट में मैंने पापा से बोला कि मेरे को भी मिक्की माउस वर्जन है, तो पापा ने मैं भी इधर मिक्की माउस वर्जन खेल रही हूं। गाइस मुझे देखकर श्रेया जो है बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। मेले में जाओ, झूला झूलो या उछल कूद ना करो तो मजा ही नहीं आता। गाइस ऊपर से जंप करने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। गाइस झूला झूलने के बाद हमने लिया चाउमीन और मुगलाई पराठा। गाइस अभी जो श्रेया सो रही है और हम सब अपना चाउमीन एंजॉय कर रहे हैं। गाइस चाउमीन के बाद आ गया हमारा मुगलाई पराठा। अभी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही ज्यादा यम्मी बना है गाइस मुगलाई पराठा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्वीट को सब्सक्राइब करें।